यू मस्ट हैव सीन, चाहे मेरे पेरेंट्स हों, चाहे मैं हूँ, चाहे आपके पेरेंट्स हों, हम लोगों को जो है ऐसे बोला जाता, वो देखो बेटा चंदा मामा है ना, बोलते हैं ना कि देखो बेटा चंदा मामा देख रहा है, देखो जल्दी से खाना खा लो, चंदा मामा आ जाएगा, या फिर झूठ नहीं बोलना, पाप लग जाएगा, झूठ बोलोगे तो नरक में जाओगे। वी आर गिवन सर्टन टर्म्स, सबके साथ होता है। जब मैं छोटी थी तो हमें ही बोला जाता था ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, अदरवाइज पेरेंट मतलब कि ये हो जाएगा। लेटर जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वी फाइंड थिंग्स वेरी डिफरेंट। सच और झूठ में बहुत अंतर होता है। हम जो बोलते हैं, वॉट एवर वी से, एक्चुअली हम कहने के लिए हम बहुत कुछ बोलते हैं, बट इट इज़ नॉट डन इन द रियल सेंस, सचमुच में नहीं होता। वी से दैट डोंट फाइट, लड़ाई मत करो, दैट्स अ रॉन्ग थिंग। दूसरों के सामने सर झुका के रखो, इट इज़ ओके। ऑन द अदर हैंड, अगर आप कभी भी कोई लड़ाई उठाओ, टेक द वॉर, इंग्लैंड ने इसके साथ लड़ाई की थी, फ्रांस ने प्रूशिया के साथ लड़ाई की थी, कहीं पर भी किसी लड़ाई में लिखा कि बच्चों की वजह से लड़ाई हुई? कहीं लिखा बच्चे लड़े थे इसी वजह से लड़ाई हो गई थी? नो। एनी वॉर टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द एल्डर्स, बिकॉज ऑफ अवर एवराइज, बिकॉज ऑफ अवर ग्रीड। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन की कभी लड़ाई होती। एंड अभी आप लोग 11th स्टैंडर्ड में हो, आई नो मोस्ट ऑफ योर पेरेंट्स, मोस्ट ऑफ आवर पेरेंट्स, दे टेल अस क्या करना क्या नहीं करना, कैसे कपड़े पहनने कैसे कपड़े नहीं पहनने हैं, किससे बात करना किससे बात नहीं करना, किस तरीके से बात करना किस तरीके से बात नहीं करना। वी आर ड्राइवन बाय द थॉट्स ऑफ अवर पेरेंट्स, ऑफ अवर एल्डर्स, ऑफ द पीपल हु आर सराउंडेड बाय अस। ऐसे नहीं बोलना, ऐसे बोलना है, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं उठना, मीन्स देर आर लॉट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था अमांडा वाला जो चैप्टर था, यू हैड रेड दैट, इन दैट पोएम अमांडा के अंदर जो है इट इज सेड दैट अमांडा डोंट हंच योर शोल्डर्स, अमांडा डोंट बाइट योर नेल्स, अमांडा डू दिस। वी आर लेड बाय सो मेनी थॉट्स। And then comes a time जब हमें ये समझ आता है कि many of these things actually did not exist। इनमें से कई चीजें ऐसी थी जो exist करती ही नहीं थी। Like where is hell and heaven? बताओ where is hell and heaven? I have not seen. I have never seen what is hell and what I have never seen what is heaven. Any one of you who has seen? हाँ, हमें बोला जाता बचपन में, when I was, you know, I used to see that mythological movies देखती थी जिसके अंदर दिखाते थे कि बड़ी सी कढ़ाई है और पाप किया है तो उसको उसमें गर्म तेल है, उसके अंदर जाके जो है यमराज ने उसको डुबो दिया है। And the picture of heaven is a beautiful garden with flowers all the way, सुंदर सुंदर लड़कियाँ सब नाच रही हैं, डांस कर रही हैं, eating laddus. But if there is any hell, any heaven, then it should be there in the geography book, क्योंकि हम तो 10th, 11th, 12th, we are studying the geography books. और geography book में तो हर वो चीज़ है, Mount Everest भी है, Antarctica भी है, पैसिफिक ओशन भी है,
रेड सी भी है, तो देन वाई हेल एंड हेवन इज नॉट देयर? अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो वो क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज नॉट एग्जिस्टिंग, दैट इज वाई. देन एज वी सेड द एल्डर्स, हमें क्या प्रीच किया जाता है व्हेन वी आर, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, नाउ यू ऑल आर देयर, क्या सब बोलते हैं कि बेटा लड़ो मत, झगड़ो मत, मुंह मत चलाओ, जबान मत चलाओ. बट डू द एल्डर्स फॉलो दोज प्रिंसिपल्स? हार्डली, हार्डली. वी आर टोल्ड किसी से लड़ाई नहीं करनी, कोई बात नहीं, लेट देम डेड. बट इन द रियलिटी सेंस सारी लड़ाइयाँ बड़ों में चल रही होती, मीन्स द वॉर, द वॉयलेंस. बच्चे बॉम्ब नहीं फोड़ते, टेररिस्ट बॉम्ब्स फोड़ते. और व्हेन वी से, व्हेन वी वांट टू यूज आवर माइंड, यस वी शुड नॉट बी एग्रेसिव. I don't know about anybody else, but I can cite my own examples. And sometimes I believe that those examples have really proved what we call as, for me, it has proved a curse. I can say कि मेरे लिए तो that has become what we call as एक श्राप है मेरे लिए तो. Because I was always told by my that I should be very generous, I should be very, very sincere, I should be very disciplined, I should never tell a lie, whatever happens, it's okay. Now I feel, sometimes, definitely I feel this, कि काश मुझे थोड़ा सा हंसना आता होता. लाइक मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स टेल मैम आप बहुत डिसिप्लिन हो, मैम आप बहुत सिंसियर हो. ठीक है, दैट्स माई सिंसियरिटी इज़ माई वर्चू. मैम आप बहुत डिसिप्लिन हो, आपके साथ तो हंसी मजाक करने में थोड़ा सा सोचना पड़ता है. ऐसा नहीं कि आई डोंट, मैं हंसी मजाक नहीं करूँगी, ऐसा कुछ नहीं. द ओनली थिंग इज दैट कि येस विथ चिल्ड्रन आई नीड टू, आई एम अ टीचर, आई नीड टू टेक दैट कि मेरे बच्चे जो हैं दे आर इन द राइट मैनर. बट येस समटाइम्स आई फील मुझे हो हल्ला नहीं करना आता था, वो अभी भी नहीं आता मुझे. आई बिकम यू नो अ जोकर. वी आर टोल्ड गलत को गलत मत बोलो, बट वाई? माई क्वेश्चन इज वाई नॉट? वाई शुड नॉट बी टीच आवर चिल्ड्रन टू, हाँ वी शुड नॉट बी एंग्री, बट अगर गलत को गलत बोलना हमें सिखाया जाए तो कितना अच्छा हो. बट नो, दिस पोयम इज अबाउट द सेम. इट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पोएट. जो पोएट है ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, एंड ही इज पॉन्डरिंग, मतलब वो सोच रहा है दैट when and where his childhood was lost. I have given two words, when and where. अगर आप देखो तो first three जो stanzas हैं उसमें when दिया है and the last one is given as where. He is pondering कि उसका जो ये childhood था कहाँ चला गया. Means maybe now the child is, अब वो जो बच्चा है शायद वो अपने टीन एज के अंदर जा चुका है, उसका बचपन शायद ख़त्म हो गया है. He has entered into his next phase of life. Maybe he is realizing that everything
जो अब तक उसने किया था, वट एवर ही हैड बीन लर्निंग टिल नाउ वॉज जस्ट, वो सिर्फ एक यू कैन से इल्यूजन था, इट वॉज नॉट द रियालिटी. एंड शायद हमारा जो बचपन है, द एग्जैक्ट वॉट वी कॉल एज चाइल्डहुड, is only when we are an infant. And what is infant? Infant means a child who is 2 years and below, jisko hote hain, wo aapka infant hota hai. Why? Because after that we are only driven by the thoughts of others. Uske baad to hum sirf dusron ke according chalte hain. Till if I say that एन इन्फेंट जो है उसको नहीं पता वो कब हंस रहा है, कब रो रहा है, कब खा रहा है. उसको जब नींद आएगी वो वहीं सो जाएगा, जब उसको भूख लगेगी वो उठ के खाना खा लेगा, उसका मन केयर करेगा तो वो थतक थतक करके नाचना शुरू कर देगा, गाना शुरू कर देगा. बट आफ्टर दैट वी आर ड्राइवन बाय द थॉट्स ऑफ अदर्स, व्हाट टू वियर, व्हेन टू वियर, व्हाट टू स्पीक, हाउ टू स्पीक. सो हियर द चाइल्ड, द पर्सन इज पॉन्डरिंग दैट व्हेन एंड वेयर द चाइल्डहुड हैज गॉन. The first paragraph, there are three phases. One is rational. अगर आप इसकी chapter के questions को पढ़ोगे तो you will find that there are three phases. One is rational, hypocrisy and individuality. There are three phases which have been given in this. One is rational. Rational मतलब सही और गलत. The second one is hypocrisy, means कहना कुछ और करना कुछ. And the third one is individuality, realization. The very first paragraph says, first I'll explain and then I'll go with the poetic devices. When did my childhood go? He is asking this question. This is a rhetorical question. Now, what is the meaning of rhetorical question? A question which we ask to ourselves and ask answer, not to somebody else. It's rhetoric. When did my childhood go? Was it the day when I ceased to be 11? कई बार ये question आता है schools के अंदर. That what was the age of the child when this poem has been written. So, cease to be 11 matlab 11 khatam hone wala tha. Cease to be 11 means he was ending up with his 11 and he was entering into 12th year of his life. He was entering into the 12th year of his life. Was it the day? Was it the time when I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was it the day? So it is rhetorical. मतलब ये वो time था जब शायद मुझे समझ आया था कि there is no place like hell or heaven. स्वर्ग या नरक जो है वो नहीं है. This is because अगर वो होता तो that would have been in the geography की book में होता वो, but it is not there. So that means उसका मतलब है कि he has understood. When did my childhood go? जो पहला paragraph था that is about rational, मतलब सही और गलत. When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seem to be? This is hypocrisy. This is hypocrisy. Means we say something but we actually do not follow it.
वी से समथिंग बट वी एक्चुअली डू नॉट फॉलो इट. वॉज इट द टाइम? क्योंकि एडल्ट्स आर हिपोक्रिटिक. दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली. मतलब वो हमें तो सिखाते हैं दैट फॉलो लव पीस बट ऑल द वॉयलेंस वॉर हेट्रिड एवराइज दिस इज नॉट फॉर चिल्ड्रन दिस इज फॉर द. तो क्या ये वो दिन था जब आई हैव रियलाइज दैट एडल्ट्स आर हिपोक्रिटिक? व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइंड? ये है आपका रियलाइजेशन. इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअलिटी मींस टिल नाउ ही वॉज ड्राइवन अवे बाय द थॉट्स ऑफ अदर्स. टू यूज विच एवर वे आई चूज, विच एवर वे आई चूज मीन्स जैसा मैं चाहता हूं, मीन्स ही हैज अंडरस्टूड. Producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone. Means, now I am not driven by the thoughts of others. But I have my own mind. I can use it. Then, he says, where did my childhood go? In the first three stanzas, he is asking, when did? But in the last he says, where did it go? Kaha chala gaya? It, then he is answering, it went to some forgotten place. Matlab, aisi jagah chala gaya jisko hum nahi jante. That's hidden in an infant's play face. Means maybe it was a time when a child is इन्फेंट, शायद तब तक उसका चाइल्डहुड रहता है क्योंकि ही इज नॉट ड्राइवन बाय एनीवन. बट वंस वी स्टेप इनटू द नेक्स्ट फेस, शायद हम तभी हम उस चीज को जो है खत्म कर देते. सो दिस इज अबाउट द कंसेप्शन ऑफ व्हाट वी कॉल एज अ पर्सन. It is written into four paragraphs. The first says, the first three is about when did it go, and it is reflecting the three personas of three traits. The first is rationalism, yani ki sahi aur galat ki pehchan. The second one is hypocrisy, the egotism of adults. The third one is individualism, yani ki realization. And the fourth, he is asking a question that where it has gone, but maybe it is only in the infant phase. Means still we are infant, maybe. In that innocence, हमारा जो innocence है, childhood का जो synonym है, that's innocence. So maybe that innocence is found only in an infant phase. We can find the innocence only in an infant phase. Then it is not innocence, it is just driven by others. Okay, now I hope everyone was it the day, was it the time? ये जो दो आपके साथ में आ रहे हैं, this is आपका anaphora. This is आपका anaphora. Then hell and heaven. Hell and heaven. Two opposite things have been placed together. This is you can call antithesis. I would request everyone to note it down.
एजोनेंस द वॉवल ओ हैज बीन रिपीटेड देयरफॉर कुड नॉट इट्स अ रेटोरिक देन ये जो वर्ड है वॉज दैट द डे इट इज रिपीटिंग आफ्टर एवरी स्टैंजा दिस वी कॉल इट एज रेफ्रेन मतलब कोई भी एक स्टैंजा के जो वर्ड्स है वो दोबारा से अगर मुखड़ा या फिर आपका एक अंतरा दोबारा रिपीट होता है दैट्स कॉल्ड एज रेफ्रेन In both of them, was it when W were and my mind ma? It is electrician. Same here, whichever way were electrician. Was it when W were my mind ma? My mind was really mind, pura aapka jo hai electrician. Done. The first one is talking about rationalism. The second one is talking about hypocrisy. The third one is talking about individualism. You have to note it down. The first is talking about rational. Rational matlab right or wrong. Irrational matlab bina sar pair ki baatein. Irrational means bina sar pair ki baatein. So yahan par it is talking about rationalism. When he found that the things which are existing on this earth will be found in the geography. So it is irrational. So he is now rational. The second is telling about hypocrisy. The third one is talking about individualism. Any language. When we are hearing a song, you must have seen that some lines are repeated in every stanza. Har ek jo matlab ki starting ka jo hota hai, ya fir koi bhi ek line hota, that is repeated in every stanza. That's called as refrain. Now you can see that was that the day, was that the day, was that the day. When did my childhood go? When did my childhood go? When did my childhood go? This has been repeated. So this is called as refrain. Right? So that's called as refrain. And it is also a rhetoric question because there is no one to answer. Rhetoric means something which we are asking to. Wo din tha. Ye wo din tha. So this is the answer. This is a question which the poet is asking to himself. So that is rhetoric.
So these are some of the poetic devices. The three paragraphs written in rationalism, hypocrisy and individualism. Then we have anaphora, we have alliteration, we have antithesis, we have assonance, we have refrain, then personification at the end. These are the poetic devices which are being used in this poem, right? I'm once again just repeating it. The poem is about a rhetoric question that the poet ponders. Poet ko samajh nahi aa raha hai ki jo bachpan hota hai wo kahan chala jata, kab chala jata. We never know when our childhood actually goes. Now, childhood is not what we call as with some age. Sometimes it might be a maturity. And that maturity may be at certain levels. Some people may not mature even after years. Some may mature at a very young age. So what does it mean? Ab wo question pooch raha hai ki किस चीज को हम बचपना कहते हैं, बचपन कहते हैं. सो ही सेज शायद बचपन हमारा तब तक ही था, क्योंकि बचपन में हमें नहीं पता है. वॉट एवर द एल्डर्स टेल अस, वी जस्ट ब्लाइंडली बिलीव. सो इट वॉज अ टाइम शायद जब ही अंडरस्टूड द टर्म्स लाइक हेल एंड हेवन एक्चुअली डू नॉट एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ, बिकॉज इफ दे एग्जिस्ट they should be there in the geography book. That is what our education tells us. That's what actually our education tells us. Hamara education kya bolta hai? That these are the places which are there. We know about space. We know about water on Mars. But if there are places like hell and heaven were there, so there is no mention. Then the second one is again a direct comment that the elders often fight. They are full of revenge. They are full of greed. But they preach their children not to. Yahan par it's not about a parent and child. It is about the entire adult community. The third one, he tells us, maybe that was a time. Pehla to tha aapka jab he has ceased to be 11. Cease matlab khatam ho gaya. Means a child has entered into 12 years. ये question कई बार paper में आया है कि why, मतलब कि what was the age of the child and why it is 12. And the reason is that cease का मतलब होता खत्म हो जाना. Then in the third paragraph he says maybe when he realized that he could now use his brain as he wants. Means he is now coming to individualism. Now the brain is not run by others. And then in the last, maybe he is not, actually शायद वो अपने बचपन को नहीं खोना चाहता है. इसीलिए वो एक question कहता है कि where it has gone. And for that he gives the answer that maybe till we are infants, जब तक हम infants थे शायद हमारा innocence तभी तक रहता है. After that we are driven away by the thoughts of others. हम दूसरों के according चलते हैं. So maybe that was a time when we actually had the childhood. This is the poem. The poet Marcus Nathan wants to go back to those time when we were carefree, when we were happy. But at the same time, it is also when we were driven by others. Perhaps the पोएट, वेन डिड माई चाइल्डहुड गो, पहला क्वेश्चन वो अपने आप से पूछता है, मेरा बचपन कहाँ चला गया. वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11, सीज मतलब खत्म हो जाना.
समथिंग विच इज फिनिश्ड, दैट मीन्स द पर्सन इज 12 ईयर्स. मीन्स ही मीन टू से कि शायद वो 12 साल का होगा जब उसे समझ आया कि ही हैज लॉस्ट हिज चाइल्डहुड. वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी. मीन्स वेन वी आर चाइल्ड वी आर टोल्ड दैट इफ वी डू गुड वी गो टू हेवन, इफ वी डू बैड वी गो टू हेल. सो वॉज इट द टाइम वेन ही रियलाइज कि दीज आर इमेजिनरी प्लेसेस, दे डोंट एक्चुअली एग्जिस्ट इन रियालिटी एंड देयरफॉर कुड नॉट बी. मीन्स दे आर नॉट रियल, दैट इज वाई दे आर नॉट देयर इन द ज्योग्राफी बुक. इन द सेकेंड पैराग्राफ ही सेज ही आस्क अ क्वेश्चन, वेन डिड माई चाइल्डहुड गो? वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट वर नॉट ऑल दे सीम टू बी? मतलब द एडल्ट दे टीच अस, दे प्रीच अस, वो हमें सिखाते हैं. दे टेल अस टू बी लवेबल, दे टॉक अबाउट लव रिस्पेक्ट, बट ही फाउंड दैट एडल्ट वर हिपोक्रिटिक. दो दे सेड, वो हमें तो सिखाते हैं प्यार से रहो, बट एक्चुअली दे नेवर लिव्ड विथ लव. दे वर द वन हु फॉट. द थर्ड पैराग्राफ सेज, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो? वाज इट व्हेन आई फाउंड माय माइंड वाज रियली माइंड? मींस व्हेन ही स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग हिज वर्ल्ड टू यूज विच एवर वे आई चूज. He realized that he could use. He still now he was only driven by others. दूसरे उसको बोलते थे क्या करना क्या नहीं, but अब उसे समझ आता उसे क्या करना है. Producing thoughts that were not those of other people, but my own and mine alone. मतलब अब उसे समझ आ रहा है कि he has his own brain. उसके पास खुद का अपना दिमाग है, and he can use it as he wants. He can work on his own will. वो अपने अपनी तरीके से अपने दिमाग को लगा सकता है. Till now he was only driven by others. दूसरे उसको चलाते थे. In the last paragraph he says, where did my childhood go? Now he wants to find it. And he knows कि जब तक हम innocent थे, मतलब infant phases innocence, हमारा जो इनोसेंस था दैट वॉज ओनली टिल वी वर इन्फेंट. आफ्टर दैट वी वर ड्राइवन बाय अदर्स एंड देन वी ग्रो अप इनटू अडल्टहुड. सो दीज आर द फोर एरियाज. द फर्स्ट इज रेशनलिज्म, सेकेंड इज हिपोक्रेसी, थर्ड इज इंडिविजुअलिज्म एंड फोर्थ इज अबाउट द इनोसेंस.